फुरफुरी नगर वालों, आप सबका आज के इस खास प्रोग्राम में स्वागत है। तो आइए सुनते हैं रंगारंग कार्यक्रम गीतों का। ये काम कितना अच्छा है, हम एक ही जगह बैठे बैठे अपने दिल में जो आए सारे शहर को सुना सकते हैं। मैं भी आरजे बनूंगा, मोटू आरजे, लोगों के इंटरव्यूज लूंगा, मजा आएगा। मोटू रेडियो जॉकी बनेगा, आरजे बनेगा, मैं बनाऊंगा। रेडियो स्टेशन में मेरा एक दोस्त है, उससे बोल के मैं मोटू को आरजे लगवा दूंगा। चिंगम सर की जय हो, अब तो मैं फुरफुरी नगर के अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यूज लूंगा। पहले किसका इंटरव्यू लोगे? सोच रहा हूँ किसी महान आदमी का इंटरव्यू लूं, जैसे कि बड़े भैया सीताराम पतलू। अरे मोटू, तुझे इनके सिवा और कोई महान नहीं दिखता यहाँ? जरा सोच के बताओ यहाँ कौन महान आदमी है। ओके, मैं एक आइडिया देता हूँ। अरे कौन महान आदमी है यहाँ और आइडिया तो दिया नहीं उसने। अरे बॉक्सर ने तुम लोगों को कोई आइडिया दिया या फिर यूं ही सबको पंच मार मार के ऊपर भेज रहा है? अरे मोटू, उसका मतलब ये था कि पहले उसका इंटरव्यू लो। हेलो। मैं मिस्टर शर्मा हूँ, इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ। बॉक्सर का इंटरव्यू लेते समय गाना ऑन कर देना। पब्लिक गाना सुनेगी और तुम उसकी जिंदगी के बारे में सारे डिटेल ले लेना। ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फुरफुरी नगर। आज मेरे सामने फुरफुरी नगर के एक महान इंसान बैठे हैं, और वो है, गेस कीजिए कौन कौन? बॉक्सर भैया। बॉक्सर भैया, मेरी प्यारी जिंदगी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बॉक्सर भैया, सबसे पहले आप फुरफुरी नगर को ये बताएं कि आपको बॉक्सिंग का शौक कब से हुआ और आपने ये फैसला कब लिया कि आप बॉक्सिंग ही करेंगे? वो मैंने। और बॉक्सर भैया जब तक ये बता रहे हैं कि वो बॉक्सर कैसे बने, आइए तब तक सुनते हैं एक मधुर गाना। बॉक्सर भैया, आपके चेहरे का रंग बदल क्यों रहा है? अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए ना प्लीज। ओए, तो गाना चलाया जा रहा है तो बताओ किसे, मुझे उल्लू समझा है? ये ले। अरे मोटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉक्सर भैया, मैं लूंगा आपका इंटरव्यू, मोटू को कोई आइडिया नहीं है। अरे मुझे नहीं देना इंटरव्यू, किसी और को ले लो। अरे मोटू, इंटरव्यू खुद सुनोगे और लोगों को गाना सुनाओगे तो बॉक्सर भैया गुस्सा होंगे ही ना। वो आदमी कोई प्रोड्यूसर नहीं होगा जिसने तुम्हें ये आइडिया दिया है, जरूर किसी ने तुम्हें बुद्धू बनाया है। अच्छा जाओ, अब चिंगम सर का इंटरव्यू ले लो। गुड मॉर्निंग फुरफुरी नगर। आज अभी इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं फुरफुरी नगर के दिलेर इंस्पेक्टर चिंगम सर। चिंगम सर, प्लीज ये बताइए कि आप इंस्पेक्टर क्यों और कैसे बने? चिंगम सर बोल रहे थे। अरे वो मोटू, तुम क्या कर रहे हो? पहले छींक लो फिर इंटरव्यू लो। सॉरी है चिंगम सर, मैं आपसे मुझे नहीं देना इंटरव्यू, छींक रहे हो? पहले जाओ मुंह धो के आओ, फिर लेना मेरा इंटरव्यू। ओके। हाँ तो चिंगम सर, जॉन द जॉकी अब आपका इंटरव्यू लेगा। यस, माई सेल्फ जॉन द जॉकी।
अरे मोटू तुम्हारी जगह जॉन की आवाज आ रही है, तुम कहाँ हो? जॉन, ये जॉन कहाँ से आ गया? जाता हूँ, उसे इतना धोऊंगा कि दोबारा कभी नहीं आएगा। खुशबू खुशबू खुशबू। अरे मोटू, समोसे। खुशबू खुशबू खुशबू, समोसे। अरे मोटू कहाँ चले जा रहे हो? उधर चिंगम सर का इंटरव्यू जॉन ले रहा है। खुशबू खुशबू खुशबू, ये जॉन बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती पतलू, कुछ सोचो। आइडिया। और चिंगम सर ने बताया कि कैसे उन्होंने इंस्पेक्टर बनने का सपना पूरा किया। जॉन, अब मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मेरा इंटरव्यू जॉन द डॉन का इंटरव्यू। मेरी चोरियों के बारे में पूछोगे और फिर चिंगम सर मुझे अरेस्ट कर लेंगे। अच्छा आइडिया है। आरजे को बताओगे तो तुम पे कोई केस नहीं चलेगा। आरजे को जो बताया जाता है वो सीक्रेट होता है। चिंगम सर तुम्हें अरेस्ट भी नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा क्या? चिंगम सर मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मोटू सही कह रहा है, मैं जाता हूँ, तुम इंटरव्यू दो। दोस्तों, आज मेरी प्यारी जिंदगी शो में जॉन द डॉन हमारे साथ मौजूद है। जॉन सर, आप प्लीज श्रोताओं को ये बताइए कि आपको ये चोरी करने का शौक कब से हुआ? क्या बताऊँ, ये शौक तो मुझे बचपन से ही है। पहले मैं घर से पैसे चुराता था, दोस्तों के चॉकलेट चुराता था, खाना चुराता था और न जाने क्या क्या चुराता था। अच्छा 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 अच्छा, वो फुरपुरी नगर बैंक में पिछले साल जो 50 करोड़ की चोरी हुई थी किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो चोरी आपने की कैसे, प्लीज बताइए। क्या है कि वो बैंक के नीचे से टनल खोदकर अंदर गया, सारे रुपए पैसे निकाले और फिर टनल बंद करके सीमेंट डाल दिया। किसी को पता नहीं चला कि चोर कैसे आया और चोरी कैसे की। वाह वाह वाह, आपने कमाल कर दिया जॉन द डॉन सर। और एक घटना मुझे याद आई, पिछले साल 50 घरों में एक साथ चोरी हुई, उनमें से एक दो घर में आपने भी तो चोरी की होगी। एक दो घरों में नहीं बल्कि 50 में से 50 घरों में मैंने ही चोरी की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है क्या बात है, तो 50 घरों में आपने ही चोरी की। वाह वाह। अरे तो क्या मेरे घर में भी इसी जॉन ने चोरी की? अरे मेरे यहाँ भी चोरी हुई थी। बोला तो, सब चोरी इसी ने की थी। चलो चलो। अच्छा अब हमें ये बताइए कि पिछले साल जो एक साथ 20-20 ज्वेलर्स की दुकान में चोरी हुई थी, उसमें कम से कम 4-5 दुकान में आपने भी तो चोरी की होगी। अरे 4-5 छोड़ो, 4-5 नहीं, पूरे 20 के 20 ज्वेलर्स की दुकान में मैंने ही चोरी की थी। किसी की हिम्मत है कि मेरे रहते हुए कोई और फुरफुरी नगर में चोरी करे? ये पूरा इलाका जॉन द डॉन का है, इसमें चोरी करना मेरा हक है। बॉस, लोगों की भीड़ आ रही है। आने दो आने दो। इंटरव्यू सुन के सब मेरे फैन हो गए होंगे, मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए आ रहे होंगे। अरे खोलो, निकालो उसे, अरे बाहर निकालो। ये क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है, शोर क्यों है? वो आपके फैन आ गए हैं। आपने इतना ज्यादा बढ़िया इंटरव्यू दिया है ना, सब दिल खोल कर बता दिया है ना सबको, सब सुन के खुश हो गए हैं। जॉन साहब जाइए, बाहर आपके फैंस आपके ऑटोग्राफ के लिए वेट कर रहे हैं। पेन तो दो, पेन तो दो, ऑटोग्राफ देना है। ओके, आई एम जस्ट कमिंग। ऑटोग्राफ कौन लेगा, कौन? अरे ऑटोग्राफ तो हम देंगे। ये लो मारो
मारो और मारो। चिंगम सर अरेस्ट कर लो, मुझे अरेस्ट कर लो प्लीज। रिपोर्टर के इंटरव्यू पर कोई भी कानून लागू ही नहीं होता। मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। रेस्ट 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 अरेस्ट। छोड़ो छोड़ो, रिपोर्टर का कानून छोड़ो और इंटरव्यू भी छोड़ो। चिंगम सर आप मुझे अरेस्ट कर लो, मैं सब सब कबूल करता हूँ, जुर्म कबूल करता हूँ। मुझे गिरफ्तार कर लो, जेल भेज दो, सारी चोरी मैंने की है, इनसे मुझे बचा लो। ओए मेरी लाल लाल गड्डी पे शान की सवारी। बॉक्सर भैया अपनी कार को रिपेयर कराओ, देखो कितना धुआं निकल रहा है, पूरे शहर में पॉल्यूशन फैल रहा है। क्या कहा तुमने? अपनी कार को रिपेयर कराओ, देखो पूरे शहर में कितना पॉल्यूशन फैल रहा है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। यार तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। आई एम वेरी सॉरी, वेरी 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 सॉरी। मैं कार को रिपेयर करने के लिए ले जाता हूँ और तुम दोनों ऐसी जगह जाओ जहाँ पॉल्यूशन ना हो। ये लो, ये लो, वो मिलाओ। यार कभी तो दरवाजे से आया जाया करो ना कि छत से। यारी मैं क्या करूं बड़े भैया, वो बॉक्सर भैया ऐसा निशाना बना के पंच मारते हैं कि सीधे यही आकर गिरते हैं। डॉक्टर झटका, प्रॉब्लम यह है कि हाँ बड़े भैया, अब आप ही कुछ ऐसा करो कि इस शहर से पॉल्यूशन बिल्कुल खत्म हो जाए। गाड़ी वालों ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है। उड़ी बाबा, डॉक्टर झटका ने ऐसा कार बनाया है कि शहर से पॉल्यूशन एकदम खत्म हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, मेरी यार, मैंने एक ऐसी कार बनाई है जो पानी से चलेगी। पानी से कार चलेगी? हाँ मेरे भाई, मेरी यार, पानी से कार चलेगी तो धुएं की जगह कार से भाप निकलेगी और इससे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। यार ये देखो मोटी मेरी भाई, मेरी यार, है ना कमाल की कारी। भैया ये कार मैं लेकर जाता हूँ, इस कार को पूरे शहर में घुमाऊंगा, इसकी पब्लिसिटी करूंगा। मोटू मेरे भाई, मेरी यार, पहले ट्रायल पे तो ले जाओ, लोगों को पता तो चले ये कार है किस कमाल की। यारी जाओ यार। तो ये बात है, जॉन के शैतानी दिमाग में तूफानी आइडिया जन्म ले रहा है। अजी सुनते हो, आपको कितनी बार बोला घर बना लो, घर बना लो, घर बना लो। देखो आ गई ना बरसात, अब भीगो। अरे पिंटो की मम्मी, ये बरसात का मौसम कहाँ है, बरसात तो अभी दूर है। वो देखो बदलू अपनी कार से बादल बनाते जा रहे हैं, चलो उनको देखते हैं। अरे ये मोटू पतलू ने फिर से क्या गड़बड़ शुरू कर दी, चलो उसे देखते हैं। अरे क्या हुआ, छोड़ दो छोड़ दो। अरे ओ मम्मी पापा, सॉरी सॉरी। अरे हुआ क्या है ये तो बताओ। आ,
ये कैसा मौसम हो गया? अब बादल जमीन पर उतर रहा है। सॉरी। अरे चिंगम सर, देखकर बाइक नहीं चला सकते क्या? ठोक दिया मेरी स्कूटर को। अरे मैं कैसे चलाऊं? देखते नहीं, ये बादल ऊपर से नीचे आ गए हैं। अरे चिंगम सर, ये बादल आसमान से नहीं उतरा, वो देखो आपके दोस्त मोटू पतलू कार से निकालते चले जा रहे हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। hey, मोटू पतलू, स्टॉप, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, स्टॉप। अरे सीएम सर, कैसे हैं आप? मैं आपके पास ही आ रहा था। hey, मोटू, रुक जाओ। चिंगम सर, आप रुक जाओ, इसे मैं मारूंगा क्योंकि ये मेरा शिकार है। ओए, ओए पापा, पापा, पापा। नहीं बॉक्सर, ये मेरा शिकार है। नहीं, ये मेरा शिकार है। अरे चिंगम सर, शिकार का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मैं तो आपको ये बताने जा रहा था कि कितनी कमाल की कार है और इसके कितने फायदे हैं। नहीं, मैं इसे पहले अपनी बॉक्सिंग का फायदा बताऊंगा। ओए, ये लो, ये लो। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने किया क्या है? बोल दो किया क्या है, पीछे देखो तुमने क्या किया है। ओ चिंगम सर, क्या बात है, बरसात का मौसम आ गया है, बादल कितने नीचे आ गए हैं, कड़क भी रहे हैं, बरस भी रहे हैं। वाह 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 रे वाह। अरे मोटो, ये तुम्हारी कार से निकले हुए बादल है। कार से निकले हुए बादल है? डॉक्टर झटका ने तो कहा था भाप निकलेगा और पोल्यूशन खत्म होगा, यहाँ तो कुछ और ही निकल रहा है। मोटो, जल्दी से कॉल करो। अरे भैया, जल्दी से आ जाओ। मोटू मेरे भाई, मेरे यार, ये इतने बादल कहाँ से आ गए यारी? मौसम अचानक कैसे इतना खराब हो गया यारी? मौसम खराब नहीं हुआ बड़े भैया, आपकी कार खराब हो गई है। आपने हमें कार दी पॉल्यूशन खत्म करने के लिए और यहाँ सारे शहर में दूसरा ही पॉल्यूशन फैल गया, पीछे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अरे बड़े भैया, आदमी तो छोड़ो, हमारे पीछे कुत्ते, बिल्ली, कौवे सब पड़े हैं। मोटू मेरे भाई, मेरे यार, मेरी बनाई कार में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है यार, जरूर किसी ने इसमें छेड़छाड़ की होगी, इसके पानी में जरूर किसी ने कुछ मिला दिया होगा यार, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। देखो यार, इसमें कुछ मिला दिया है, इसी से ये सब फैल रहा है यार। तो फिर ये कार कौन सकता है? अच्छा, तो ये बात है। सॉरी, वेरी सॉरी, बॉक्सर भैया, हम लोग इस कार को रिपेयर करा के आएंगे। ओ मेरे भाई, मेरे यार, अरे कौन से मेरे भाई ने ऐसा बड़ा चमत्कार किया है? सुना है आपकी कार से बड़े बादल बन रहे हैं और बारिश भी हो रही है। ओ ग्रेट मेरे भाई, ग्रेट, आप लोगों ने तो बहुत बड़ी डिस्कवरी कर दी है मेरे भाई। आज के बाद हम कहीं भी बारिश करवा सकते हैं, कहीं भी सूखा नहीं पड़ेगा, अकाल नहीं पड़ेगा। ये तो महान आविष्कार है, ये कार मुझे दे दीजिए और इसके लिए मैं आपको 100 करोड़ दे दूंगा मेरे भाई। नहीं नहीं, ये आविष्कार मैंने की है। ये कार तो सिर्फ पानी से चलकर भाप निकालती थी। मैंने इसके टैंक में कुछ डालकर पानी में मिलाया और बादल बनाया, बरसात कराए। ये आविष्कार मेरा है, 100 करोड़ मुझे दो। अच्छा, ये सब तुमने किया है?
हाँ हाँ बिल्कुल हाँ सच्ची हाँ पक्की हाँ मैंने किया था 100 करोड़ मुझे दो। ओके तो फिर ये लो। अरे मुझे मार क्यों रहे हो, मार क्यों रहे हो? 100 करोड़ कहाँ है? दोना दोना मारो मत, दोना 100 करोड़। जॉन, तुमसे सच उगलवाने के लिए हमने ये नाटक किया था। हाँ ये तो चीटिंग है, सरासर धोखेबाजी है। तुम लोग तो अच्छे आदमी हो, मैं बुरा हूँ तो क्या हुआ? ऐसा तो मत करो ना। सीधे जेल जाना, नहीं तो और धुलाई होगी। यस